हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए लोगों की एलवी चल रही है, अटेंड कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ सच में। और मैं आप लोगों के साथ सोची कुछ शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही थी तो मैं बोली आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। देखिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, अभी थोड़ा गर्म है, ज़्यादा नहीं है। मैं अभी इसको छील लूँगी, छीलने के बाद मैं क्या बना रही हूँ आप लोग आगे बने रहिएगा, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा, अभी नहीं बताऊँगी मैं, ओके। और ये देखिए मैंने अदरक लहसुन मिर्ची लिया है थोड़ा सा, अब इसमें मैं जीरा ले लेती हूँ। और मैं इसको यहाँ पे सिलबट्टे पे मैं इसको थोड़ा सा पीसूँगी। यहाँ पे देखिए सिलबट्टा है, ये देसी स्टाइल में बना रही हूँ, इसका स्वाद भी अलग आएगा देसी स्टाइल में। देखो मेरे बेटे को, ये तो बहुत ज़्यादा ही मस्ती करता है और इसको बहुत जल्दी है कि जल्दी बनाओ, मुझे खाना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मुझे परेशान कर दिया है ये आज। और चलिए मैं बनाती हूँ, पहले मैं इसमें पीस लेती हूँ। पहले मैं जीरा ले लूँ थोड़ा यहाँ से डब्बे में से। एक मिनट शशांक, कैसा लग रहा है, यही लोग करेंगे सब काम मेरा। देखिए मैं इसमें से थोड़ा, ये छोटा चम्मच है तो मैं 2 चम्मच जीरा लूँगी। हटो शशांक, इसमें रख देती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे रखती हूँ ये डब्बा। और देखिए मैं उस दिन ये डब्बे सब लाई थी ना, मैं इसकी वीडियो बनाई थी जो जो मैंने लाया था, बट क्या करूँ सब वीडियो डिलीट हो गया है वो सब, तो इस वजह से नहीं दिखा पा रही हूँ, तो ऐसे दिखा रह रही हूँ। देखिए ये 6 डब्बे, ऊपर एक डब्बे वो दिख रहे हैं कंटेनर, एक वो थे इसमें का एक वाला शशांक किधर है, जो ऊपर वाला है वो। और मैंने ये वाले देख रहे हैं आप लोग, ये पिंक वाले, ये किधर पिंक वाला है वो, उसमें के 3 ये सब लाई थी। ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, तो मैंने ये ले लिया। ये मैं डीमार्ट गई थी, डीमार्ट से मैंने लिया है। और इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस देख लीजिए आप लोग, 79 की है। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये लोग ही खोलेंगे, खोल दो, ये लोग अपना इसमें रखे हैं बादाम, तो अभी इतना बादाम बचा है, अभी खाए ये लोग। तो मैं इसीलिए ली थी, मैं बोली इसमें बादाम रखूँगी, इसमें कैसू रखूँगी। ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऊपर वाला, ये वही है, इसको मैंने अभी कुछ रखा नहीं, वैसे ही खाली पड़ा है सब। और इसमें सब देखिए वो दाल है, मूंग की, चना है इसमें, इसमें गरम मसाले हैं, मम्मी जो मेरी लाई थी 1/2 किलो वो है, ये घी का डब्बा है, और ये सूखा धनिया है, और ये चाय पत्ती है। मैं आप लोगों से सब शेयर कर रही हूँ। तो ये सब काम मैं बोली उस दिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, बट डिलीट हो गया, तो कोई नहीं, मैं अभी दिखा दिया आप लोगों को। बट सबसे ज़्यादा मुझे ये बहुत पसंद आया, ये फूटेगा भी नहीं, कांच का नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है कांच का है बट ऐसे ही है। तो चलिए मैं इसको पीस के आप लोगों को दिखाती हूँ, ओके। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसको पानी डाल के नहीं पीसना है मुझे, इसको मुझे सूखा ही पीसना है, क्योंकि उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। इसको दरदरा ही पीसना है। ये देखिए ये मेरा पीस गया है, इसको मैं पानी नहीं डालना है ना, इसलिए मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। पीसने में खांसी आ गई, इतना इसका तेज आ रहा है। सच में सही बोलते हैं कि इसका जो स्वाद होता है ना, वो कुछ अलग ही स्वाद होता है, तो सही बात है। पीसने में मुझे समझ झाग मेरे उसमें मुंह में आ गया, सच बात है, इसी पे करना चाहिए, इसका टेस्ट अलग होता है। तो चलिए अभी देखिए मैं आलू की छिलके को निकाल लेती हूँ ऐसे। आलू अभी बहुत जल रहा है ना, तो मैं फिर भी मैं सोचू जल्दी करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे अभी परेशान कर रहे हैं, उनको खाना है जल्दी है, तो मैं बोली चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वीडियो भी मेरा बन जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगी। चलो और देखिए मैंने आलू को छील लिया है,
और मैं चलती हूँ। ये मैंने गैस भी चालू कर दिया है, ऑन कर दिया है गैस को। अब मैं चल रही हूँ, तेल डालूँगी इसमें थोड़ा सा। और इधर मैंने आटा भी तैयार करके रख लिया है पहले ही, तो मैं इसमें राई का तेल, सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, मैं वही यूज़ करूँगी। आपको जो यूज़ करना है, जो भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। मैं आलू को अभी ये थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसके बाद मैं डालूँगी। मेथी और राई डालूँगी। मैं मेथी ली हूँ, थोड़ा सा तेल गरम हो जाए मेरा, थोड़ा अभी गरम नहीं हुआ है, अच्छे से गरम हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें मेथी। राई डालूँगी, जीरा तो मैंने पीसा ही है उसमें। देखिए मेथी डाल दिया है मैंने, अब मैं राई भी डालूँगी एक चम्मच। उसके बाद इसको थोड़ा चटकने देती हूँ। ये हमारा चटक रहा है, जब तक मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। देखिए मैं आलू को मैश कर लेती हूँ हाथों के सहारे से, ज़्यादा मैं इसको ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, हल्का सा ही करूँगी। देखिए मैंने इसको आलू को मैश कर लिया है, ये अच्छे से मेरा हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने भुना हुआ है। शशांक जरा देखिए मेरा ये हो गया अच्छे से, देखिए थोड़ा भून गया अच्छे से। अब मैं ये डालूँगी जो मैंने इसको पिसा हुआ था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से भून लूँगी, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा फिर भूनने पे। इसमें देखिए मैं हल्दी पाउडर डालूँगी इतना, एक चम्मच नमक डालूँगी स्वादानुसार। इसको थोड़ा भूनने के बाद आलू डाल के नमक डाल के मैं भूनूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी आलू को, अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच में। देखिए मैंने धीमी आंच किया है, इसमें नमक डालती हूँ स्वादानुसार। देखिए मैंने नमक लिया है स्वादानुसार, हमसे ना नमक ही मैं खाती हूँ, तो वही है पिंक कॉलर नमक, पिंक सॉल्ट। अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लें। अब मैं अच्छे से मिक्स करके पूरा अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, धीमी आंच में मैंने भुना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा करूँगी। और मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, तो आप लोग भी चलिए बने रहिए और गर्म गर्म खाना आप लोग भी। और ये देखिए मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई नहीं, डालने से थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा। और इधर मेरा आटा सब तैयार है, अब मैं इधर रख दी हूँ धोकर कढ़ाई, गैस भी मैंने ऑन कर दिया है। अब ये थोड़ा गर्म हीट हो जाएगा तो मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी, एक मिनट रिफाइंड ऑयल डालूँगी मैं, ये तो इतना ही और लूँगी और डाल के फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके देखिए मैं ऐसे बना लेती हूँ, इसमें भर लूँगी मैं अच्छी तरह से, इसको हम ऐसे बनाएंगे गोल गोल, फिर मैं इसको इसमें भरूँगी। ऐसे ऐसे करके मोड़ेंगे इसको हम इस तरह, इस तरीके से ऐसे। देखिए आप लोग दिख रहा है ना, हम इसको इसी तरह से बना लेंगे, देख सकते हैं आप सब। इसको हम थोड़ा सा चपटा कर देंगे। अरे यार बंद हो गया।
नहीं अच्छे से नहीं हो रहा है, गलती हो गया, उंगली आ गया सामने। देखिए इसको ऐसे हम गोल गोल करके, ऐसे हम धीरे धीरे करके सब भरेंगे इसको इसी तरह से। देख रहे हैं आप लोग इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे इसको इसी में थोड़ा सा कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छी तरीके से हो गया, भर गया, इसमें बंद हो गया है। ऐसे हमारा ख़राब भी नहीं होगा, हम थोड़ा सा हल्के ऐसे प्रेस करेंगे, इसको हल्का सा दबा देंगे बस। देख सकते हैं आप लोग तैयार हो गई है, इसको मैं अब तेल में डालूँगी। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है चार बनाकर, आँच भी मैंने धीमा ही स्लो ही करा है, ज़्यादा नहीं मीडियम ही रखा है। तो इसको हम इसी तरह बनाते हैं। देखिए मेरा लगभग तैयार हो गया, कितने अच्छे बने हुए हैं, मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बना लिए हैं गर्मा गर्म कचौड़ी, कितनी फुली फुली बनी हुई है आप सब देख सकते हैं। अभी बन रहा है, बहुत जल भी रहा है तो मैं इसको फोड़ भी नहीं सकती हूँ, बट बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। अब बहुत जल रहा है इसलिए मैं फोड़ नहीं पा रही हूँ, एक मिनट में चम्मच से ट्राई करती हूँ। क्योंकि ना ये बहुत जल रहा है, देखिए बहुत जल रहा है ना, इस वजह से मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा ठंडा होने दे आप सब भी, मेरा बेटा परेशान कर रहा है मुझे। तो देखिए ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और आप लोग भी आकर खाइए, बहुत गर्म गर्म बहुत टेस्टी बना है, कुरकुरा बना हुआ है। तो चलिए आप लोग भी आकर खा लीजिए गर्मा गर्म। ओके अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।